क्या व्यू दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप। ओह माय गॉड, और यहाँ पे मेंशन किया गया है राइट साइड से आप जाओगे तो सोनमुड़ा, जो कि 1 किलोमीटर पर है, और श्रीयंत्र मंदिर भी है जो कि 0.5 किलोमीटर होगा, और सीधा जाओगे आप माई की बग्या जो कि 1 किलोमीटर है। तो पहले चलते हैं हम श्रीयंत्र मंदिर। क्या है बोल रहे हैं? महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाभुवनेश्वरी, महाकाली। अच्छा ठीक है। दोस्तों पंडित जी ने बताया कि ये 4 सिर वाली माँ जो है, एक जो है सरस्वती है, एक लक्ष्मी और एक भुवनेश्वरी और एक जो है माँ काली है, जो कि बहुत ही अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों अब मैं आपको लेके आ गया हूँ सोनमुड़ा, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है अमरकंटक का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं भाई। 4 बजने को है शाम का, और देख सकते हो भीड़ को। दोस्तों आप जब भी आते हो इन बंदरों से सावधान रहिएगा, थोड़ा सा आप चना वगैरह खिला सकते हैं। जिस तरह से ओए भाई वो सीढ़ी बनाई गई है, नाइस पोज। ओह माय गॉड, और बैक इस साइड है तपस्वी बाबा जो कि तपस्या करते थे, और इधर है व्यू पॉइंट। तगड़ा क्राउड है भाई आज। इस साइड कहाँ जाते हैं? इस साइड है व्यू पॉइंट। चलिए चलिए, हाँ घर हो मन दिखाते मन। दोस्तों यही है सोनमुड़ा का व्यू पॉइंट, यही जो है फेमस है सोनमुड़ा में, और देख सकते हो यहाँ से पूरा आपको व्यू नजर आएगा। और ये जो वाटरफॉल है सोन नदी और भद्र नदी होकर मिलता है, जो कि सोनभद्र नदी बनाता है। देख सकते हो आप यहाँ से जो है 100 फीट होगा लगभग। क्या व्यू दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप। अब आ गए हैं टेंपल, और यहाँ पे है दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान हैं। अब घर बैठे दर्शन कीजिएगा। इस साइड है माँ काली जी विराजमान है यहाँ पे, जय माँ काली। और यहाँ पे है भद्रसेन सोन उद्गम स्थान, बाबा जी इस उद्गम स्थल के बारे में। यहाँ ब्रह्मा जी जो है, हाँ, 10,000 वर्ष तक तपस्या किए। 10,000 बार? 10,000 वर्ष। उनके नयन से आंसू टपके थे। अच्छा। तो जो दाएं नयन से जो आंसू टपके उनसे सोन जी प्रकट हुए। अच्छा। और जो बाएं नयन से जो आंसू टपके उनसे भद्र जी हुए। अच्छा। ये सोन कुंड है, उसके बगल में भद्र कुंड है। अच्छा। दोनों भाई को और एक और कुंड है, उसमें संगम हो गए। हाँ। तो सोन भद्र के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, उसी दिन से मतलब जाने जाते हैं। अभी अलग अलग दोनों मिलने के बाद सोन भद्र बन के चले हैं। हाँ हाँ। और आगे जा करके ये गंगा पटना बिहार में जो है, इनका गंगा जमुना सरस्वती में जो है इनका मिलन होगा। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। तो देख दोस्तों देख सकते हो आप ब्रह्मा जी क्या दाहिने आँख से। अच्छा, दाहिने आँख से जब आंसू निकले थे तब का है ये सोन उद्गम स्थल जो है। और यही जो है दोस्तों वहाँ व्यू पॉइंट पर जाता है सोनमुड़ा व्यू पॉइंट पर।
जय माँ। दोस्तों बताया जाता है कि माँ जो है यहाँ बचपन में खेला करती थी और उसी का कुंड है, देख सकते हो आप, एकदम स्वच्छ है दोस्तों, देख सकते हो पूरा सिक्का दिख रहा है। दोस्तों दर्शन कीजिएगा जल वाले शंभू का। जय महादेव, जल वाला शंभू जी की जय हो। जय माँ काली, माँ है नर्मदा मैया। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ जैन मंदिर अमरकंटक का। अभी देख सकते हो टाइमिंग की बात करो तो अभी 5:30 हो रहा है। चलिए चलते हैं, विजिट करते हैं दोस्तों। हो काफी सारे लोग आए हुए हैं। यह जो जैन मंदिर है पिछले 22 सालों से बन रहा है, जो कि अब भी कुछ काम करना यहाँ पे बाकी है, 1-2 साल और लग जाएगा। बाकी बन गया है लेकिन कुछ काम अभी बचा हुआ है, देख सकते हो आप, पूरी तरह से नहीं बना हुआ है, काफ़ी बारीकी से बनाया गया है। देख सकते हो इस तरह से छोटे मूर्तियाँ पूरे ऊपर में बनाया गया है दोस्तों, देख सकते हो। दोस्तों ये है सर्वोदय जैन मंदिर, जो कि देखिए नज़ारा, अभी 6 बजने को है, 20 मिनट कम है, और क्राउड को देखो, बड़ा क्राउड है भाई। हाँ चप्पल निकाल लेते हैं। तो काफ़ी बारीकी से बनाया गया है और कहा जाता है दोस्तों इस मंदिर का निर्माण बिना सीमेंट का किया गया है, जो कि एक सोचने वाली बात है, देख सकते हो काफी बढ़िया बनाया गया है, बिना सीमेंट का यह मंदिर को बनाया गया है। चूने और गुड़ और उड़द की दाल से प्राचीन पद्धति से बनाया गया है इस मंदिर को, और अंदर में है आदिनाथ जी। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। आदिनाथ जिसे हम बुद्ध भगवान कहते हैं। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय दोस्तों।